हम आपको बता दें कि जींद में नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर कृष्ण मिठा का जींद में अस्पताल है। आजकल अस्पताल का नजारा कुछ ऐसा ही नजर आता है, यहाँ गरीब मरीजों को फ्री में दवा मिलती है। अब मरीजों की लाइन में वे लोग भी लग जाते हैं जो न केवल अपनी बीमारी बल्कि अपनी मूलभूत समस्याएं भी लेकर आ रहे हैं। नवनिर्वाचित डॉक्टर विधायक की ओपीडी है, यहाँ मरीज भी कैसे कैसे आते हैं, किसी को बुखार है तो किसी को पेट दर्द। वही लाइन में बीच बीच में ऐसे भी मरीज मिल जाते हैं जो कहते हैं कि साहब दो दिन से नल में पानी नहीं आया, बंदरों ने जीना मुहाल कर दिया है, नाली बंद पड़ी है, कुछ कीजिए सर। ओपीडी में इंतजार करने वाले लोगों को इस दौरान अदरक, सौंठ, सफेदे का पत्ता, इलायची, तुलसी के पत्ते व विशेष चाय पत्ती वाली स्पेशल चाय भी पिलाई जाती है। अब विधायक लोगों की समस्याएं सुनने के लिए हर सोमवार सुबह 9 से 1 बजे तक खुला दरबार भी लगाएंगे। देखिए, मैं सुबह जैसे डॉक्टर साहब पेशेंट देखते रहते विधायक बनने के बाद, उसी समय मैं 1-2 घंटे समय भी देता हूँ। उसके बाद हमारे अपने बच्चे जो डॉक्टर की हैं संभालते हैं, क्लिनिक की और पब्लिक को भी, जो जन सेवा उसको भी कर रहा हूँ, और फील्ड में जाने का भी काम अब शुरू करूँगा। तो जो नित्य क्रम है उसी को रूटीन से वो सब कार्य पहले की तरह चलता रहेगा। तो मरीज की ही बात करते हैं, समस्या के लिए उसको दूसरी तरफ जाना पड़ता है। जो समस्या बताता है उसके लिए भी वैसा ही कार्य कर दिया जाता है, जो समस्या उसका सॉल्व करने की पूरा साथ के साथ हल कर दिया जाता है। क्योंकि जो पेशेंट हैं वो सारी कौन सी के आते हैं, मेरे पास पाँचों कौन सी के मरीज आते हैं। तो जहाँ बल्कि जैसे कि उचाना क्या है, तो उनको मैंने कहा कि आपके विधायक हैं वहाँ पे, ये समस्या का हल आपके ही विधायक करेंगे। जहाँ विधायक नहीं है वहाँ का मैं हल करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा जो पुड़िया है वो पुड़िया डॉक्टर साहब के बनाए हुए नुस्खे हैं जो वो परमानेंट चलते रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। चाहे वो पेशेंट के प्रति प्यार था वो भी वैसे का वैसा रहेगा, और जो हमारे पिताजी की जो एक नीयत थी कि गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, उस चीज़ को हमने वैसे ही बरकरार रखा। अगर किसी मरीज के पास पैसा नहीं है तो वो पैसे फिर दे जा सकता है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाबूजी का जो सपना था वो साकार हो पाएगा? मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने पिता के सपनों को पूरा कर सकूं, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी पूरा का पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे सिर पर पिता रूपी जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं सदैव उनका आभारी भी रहूँगा। और साथ में भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने इतना साथ दिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का और संगठन का विशेष रूप से मैं पूर्ण रूप से मतलब कि धन्यवाद करता हूँ। और जींद की सारी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वोट दिए उनका भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ताकि आने वाले वक्त में जब लोकसभा का चुनाव है, जिसमें हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत की गद्दी पर आसीन करना है, उसमें भी वो अपना वोट डालने का काम करें, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी वोट डालने का काम करें, और साथ में विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें भी वोट डालकर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दोबारा से इस हरियाणा की गद्दी पे विराजमान करने का काम करें। हर रोज कितने मरीज आप देख लेते हैं? देखिए, मरीज तो जितने आए तो उतने ही, सुबह सुबह जितने मरीज आते हैं 2-3 घंटे में उतने पेशेंट देख लेता हूँ। धन्यवाद।